में आती है। सभी पार्टी जो महागठबंधन में है 400 सीट पर तैयारी कर रही है खुद को जिताने के लिए और अपने सहयोगी दल को जिताने के लिए। अगर ये बात समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, यानी हम जहाँ तेजस्वी यादव जहाँ आरजेडी लड़ेगा वहीं जाएगा प्रचार करने। आपको ये बात समझना पड़ेगा। हम तो जाएंगे 400 जगह जाएंगे, हम जीते या हमारे सहयोगी दल जीते तो उस काम में लगेंगे। आरजेडी की तैयारी 40 सीटें आप फिर अलग से पेश कीजिए। आरजेडी के पूरे महागठबंधन के लोग 400 जगह तैयारी कर रहे हैं, बोलिए। अच्छा मुकेश सहनी लोग सुशासन कह रहे हैं, लोग जो हैं इनके सुशासन पे थूकने का काम कर रहे हैं। ये किस प्रकार का सुशासन है आप बताइए, कौन सा सुशासन है, कौन सा सुशासन? हम तो जानना चाह रहे हैं। जब उन्हीं के पार्टी के लोग उन्हीं के अलायंस मेंबर जब सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं तो लोग तो आज बेचारे जो है सहमे हुए, घर से बच्चे नहीं निकलती है, बलात्कार पे बलात्कार हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल गैंगरेप हो रहा है, या हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक फटकार लगाने का काम कर रही है, तो क्या सुशासन कहाँ गया? कौन सा सुशासन की बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री को लेना ही देना नहीं। और जब नागपुर हवाले जब कर दिया गया, गिरवी रख दिया गया बिहार के सुशासन, देखिए तो कहाँ से क्या होगा? तो यहाँ न्याय न्याय की कोई चीज़ ही नहीं।